नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? होप सो एवरीवन इज डूइंग ग्रेट, राइट? सो आइए दोस्तों, अपन पढ़ते हैं आज के इस सेशन में किंगडम मोनेरा और मोनेरा का डिटेल डिस्क्रिप्शन आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं, राइट? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन फॉलोड बाय थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद फोर किंगडम, फाइव किंगडम जिसको अपन विटाकर्स किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं, और उसके बाद वूज, राइट? तो वूज नाम के साइंटिस्ट ने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उसमें से जो प्रोमिनेंट किंगडम क्लासिफिकेशन है जिसका नाम है विटाकर्स फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, और इस विटाकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट किंगडम है दैट इज मोनेरा, जिसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, राइट? सो दोस्तों आइए इसके बारे में हमें जानते हैं कि मोनेरा क्या होता है, इसके सैलिएंट फीचर्स क्या है, मोनेरा में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, राइट? और उनका हैबिटेट क्या है, उसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। सो लेट मी डिस्कस इन डिटेल अबाउट दैट, राइट? सो कमिंग टू द पॉइंट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द सैलिएंट फीचर्स, इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स प्लेस किए हैं, इस किंगडम में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया है विटाकर्स ने। Now, इन ऑर्गेनिजम्स के सैलिएंट फीचर्स क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद अगर आपको मैं बता दूं, मोनेरा जो है, इस मोनेरा में जो प्रोमिनेंट ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो प्रोमिनेंट ऑर्गेनिज्म है वो इस किंगडम में आता है, इसका नाम है मोनेरा। दैट मीन्स इन द मोनेरा द बैक्टीरिया इज द प्रोमिनेंट ऑर्गेनिज्म व्हिच इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मोनेरा। So, by keeping in consideration of the bacteria, here we can discuss some important salient features. Bacteria को example के तौर पे लेते हुए मोनेरा में, bacteria को example के तौर पे लेते हुए कुछ important characteristics अपन यहाँ पे define करते हैं। तो कौन कौन से characteristics हैं यहाँ पे? जैसे सबसे पहले अगर देखा जाए तो मोनेरा में जो organisms हैं, कौन कौन से organisms आते हैं? Mainly unicellular, जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं। They are the prokaryotic cellular organization. Mainly, वो bacteria जो मोनेरा में आते हैं वो सिंगल सेल के होते हैं, जिसको अपन यूनिसेलुलर कहते हैं, और साथ में इनका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्रोकैरियोटिक मतलब जिसके पास डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, उसके पास सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे। तो जैसे यूकैरियोटिक सेल में आप देखते होंगे तो उसमें सारा सेल ऑर्गेनेल्स दिखेगा आपको, जेनेटिक मटेरियल अच्छे से दिखेगा, न्यूक्लियस दिखेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगा, तो उस तरह का जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं रहेगा। So, यहां पे बेसिकली सेल जो है वो सिंगल सेल का होगा जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। द बेस्ट एग्जांपल इज बैक्टीरिया, राइट? देन नेक्स्ट इफ यू विल सी, सो दिस काइंड ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दे फाउंड एनीवेयर, दे आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, ये सभी तरह के एनवायरमेंट में अपने आप को जिंदा रखते हैं। दैट मींस दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दे विल फाइंड इन द हॉट क्लाइमेटिक जोन्स, राइट? The hot climate, extreme hot climatic zones, कि किसी भी तरह के स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग बोल सकते हैं अपन, राइट? एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। सो ये एक्सट्रीम कोल्ड हो या हॉट कंडीशन हो, ये अपने आप को सर्वाइव करते हैं। सो इसलिए बोला है कि दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स दे आर फाउंड एवरीवेयर इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, ये किसी भी तरह के एनवायरमेंट पे अपने आप को एडजस्ट करते हैं। ये हॉट स्प्रिंग में भी अवेलेबल रहेंगे और कोल्ड सिचुएशन, कोल्ड कंडीशन में भी अपने आप को ये एग्जिस्ट करते हैं। इज इट क्लियर? देन उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट में बात करूं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह से होते हैं। जैसे आपको पता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड मटेरियल खुद बनाते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। So, the organisms जो खुद अपना खाना बनाते हैं, जो फूड मटेरियल खुद बनाते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? They are called autotrophs. Auto मतलब self, trophs मतलब organisms. The organisms which will make the food by their own, जो खुद होके अपना फूड मटेरियल बनाते हैं उनको autotrophs कहते हैं। Then heterotrophs हो गएंगे, hetero मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा। So, ये trophs है, ये organisms है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा। Is it clear? So, autotrophs की अगर मैं बात करूं, जो food material खुद बनाते हैं, ये दो तरह के होते हैं। One which is photo autotroph and second which is chemo autotroph. Now, what do you mean by photo autotroph? Photo मतलब photosynthetic bacteria.
जैसे साइनोबैक्टीरिया, आपको पता है साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ये अपना ऑर्गेनिक फूड खुद बनाता है, ये फूड मटेरियल खुद बनाता है। सो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो मतलब कुछ केमिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज करके ये अपना फूड मटेरियल बनाते हैं, जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया है, सो बाय मींस ऑफ यूजिंग द सल्फर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये अपना फूड मटेरियल बनाते हैं, वो किसमें आते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स। सो जो केमिकल्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज करके जो अपना फूड मटेरियल खुद बनाते हैं वो कीमो ऑटोट्रॉप्स है, और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स है जो फोटोसिंथेसिस सनलाइट यूज करके, ये जो सनलाइट जो है ये सोलर लाइट एनर्जी यूज करके जो भी ऑर्गेनिजम्स ये अपने फूड मटेरियल बनाते हैं उनको अपन कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। सो फोटो एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स बोथ दिस कम्स अंडर ऑटोट्रॉप्स जो अपना फूड मटेरियल खुद बनाते हैं। नेक्स्ट इज हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, जो अपना फूड मटेरियल दूसरों से लेते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको अपन हेटेरोट्रॉप्स कहेंगे। राइट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग द सेल स्ट्रक्चर। अभी इन ऑर्गेनिजम्स के सेल का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, राइट, इफ यू सी हियर, यहां पे कुछ मैंने पॉइंट्स लिखी है, कौन कौन से पॉइंट्स है देखो, अगर इन ऑर्गेनिजम्स में जैसे बैक्टीरिया, सिंपल एग्जांपल बैक्टीरिया लेते हैं मोनेरा में, और विद रिस्पेक्ट टू बैक्टीरिया अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप ध्यान में रखोगे सो इज वेल एंड गुड। राइट, सो अगर आप देखोगे सेल स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं रहता है, देयर विल बी नो डिफाइंड न्यूक्लियस। अगर आपने प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर आप देखा होगा, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा होगा, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है, राइट, हियर इज द सेल वॉल, सेल वॉल की सेल वॉल सेल एनवलप के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। अब ये इसके अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल है, दिस इज द न्यूक्लियॉइड, सो यहां पे जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियॉइड के फॉर्म में रहता है, ये फ्लैजेला है, ये सेल वॉल है, यहां पे एक सर्कुलर डीएनए होता है जिसको अपन प्लाज्मिड कहते हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू बैक्टीरिया अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप ध्यान में रखोगे कि वैलेंट गुड, तो यहां पे देखो सेल स्ट्रक्चर किस तरह से है, देयर विल बी नो डिफाइंड न्यूक्लियस, यहां पे देखो आप न्यूक्लियस कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या, यही आप यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्लांट या एनिमल सेल में देखोगे तो उसमें आपको डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा, वहां पे एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिखाई देगा, न्यूक्लियस के अंदर में जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए आपको दिखाई देगा, बट हियर यू विल सी देयर विल बी नो डिफाइंड न्यूक्लियस। राइट, द नेक्स्ट इज यहां पे जो डीएनए है वो कौन से फॉर्म में रहता है, न्यूक्लियॉइड। अगर यहां पे देखोगे आप बैक्टीरियल सेल को या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर में जो डीएनए कंटेंट है इट मेनली एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियॉइड फॉर्म, सो यहां पे न्यूक्लियॉइड जो है न्यूक्लियॉइड इट बिकम्स इन सर्कुलर कॉइल सर्कुलर शेप में यहां पे रहेगा, इज इट क्लियर। सो जो कॉइल सर्कुलर डीएनए जो है इसको अपन कहेंगे न्यूक्लियॉइड, राइट, इसको अपन कहेंगे। सो ये जो कॉइल डीएनए विच लुक्स लाइक अ सिंगल क्रोमोसोम इसको अपन कहेंगे न्यूक्लियॉइड। सो जो मोनेरा ऑर्गेनिज्म से या बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म से उसमें जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए कौन से फॉर्म में रहता है, न्यूक्लियॉइड फॉर्म में रहता है, इज इट क्लियर। देन वन मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज हियर इट कंटेन्स सम सर्कुलर डीएनए विच इज कॉल्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। अगर यहां पे देखोगे तो ये जेनेटिक मटेरियल है, दिस इज अ सिंगल क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम के अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब क्रोमोसोम्स के अलावा भी यहां पे सर्कुलर डीएनए है, इसको अपन कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं इसको अपन, प्लाज्मिड कहते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स में रिलेटेड टू सेल कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान में रखना है, यहां पे न्यूक्लियस नहीं रहता है, देयर विल बी नो न्यूक्लियस, राइट। सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे तो यहां पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियॉइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। थर्ड पॉइंट है कि यहां पे सर्कुलर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है उसको अपन प्लाज्मिड कहते हैं, तो यहां पे प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, इज इट क्लियर। सो दिस इज अबाउट द सेल स्ट्रक्चर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेल वॉल। अब ये सेल वॉल का कंपोजिशन किस तरह से होता है, और ये जो ऑर्गेनिजम्स है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनेरा लाइक द बैक्टीरिया। तो यहां पे जो यूनिक कैरेक्टर है कि इसमें सेल वॉल होता है, और जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकॉन। किससे बनता है ये पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन जो है ये मोनोमर्स, ये शुगर और अमीनो एसिड मोनोमर मॉलिक्यूल से बनता है। सो इट इज द लिंकेज ऑफ पेप्टिडो, पेप्टिडो मतलब पेप्टाइड, पेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड से बना हुआ है। देन ग्लाइकॉन, ग्लाइकॉन मतलब शुगर, सो इसमें दोनों मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, यहां पे शुगर और अमीनो एसिड दोनों मोनोमर मॉलिक्यूल से जो है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन बनता है। Now the peptidoglycan is also called murine, इसको murine भी कहा जाता है। तो सेल वॉल का कंपोजिशन जो है इन ऑर्गेनिजम्स में वो peptidoglycan या murine से बनता है, right? If we'll see the next unique characteristic is in these organisms like the bacteria,
इट डजंट कंटेन द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. यहां पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं. किसको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स अपन कहते हैं? जैसे कि आपको पता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर में आपने देखा होगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, सेंट्रियोल्स होते हैं, इज इट क्लियर, गॉल्जी बॉडीज होता है, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. सो ये जितने भी है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है जो आपको यूकैरियोटिक सेल में दिखाई देते हैं. लेकिन यहां पे बात चल रही है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स अंडर द मोलेरा. सो इस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में कभी भी ध्यान में रखना है कि कोई भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं रहते हैं. दैट मींस दे आर बीइंग एब्सेंट, वो एब्सेंट रहते हैं. सो हियर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट. तो इन ऑर्गेनिजम्स में ना ही आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, ना ही सेंट्रियोल्स रहेंगे, इसलिए ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, ना ही गॉल्जी बॉडीज रहेंगे. तो ये कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो है आपको इस ऑर्गेनिजम्स मतलब मोनेरा किंगडम में जो बैक्टीरिया या ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसमें दिखाई नहीं देगा. दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. और यहाँ पे जो राइबोसोम्स होती है, हियर जो राइबोसोम्स होती है वो कौन से टाइप के होते हैं? 70S टाइप के होते हैं. Which type? 70S type के होते हैं, जो mainly 50S और 30S smaller subunits से बनते हैं. 50S larger subunit और 30S smaller subunit. तो ये दो subunits से ये 70S type के ribosomes बनते हैं. और ये ribosome जो है खास करके किंगडम मोनेरा मतलब बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स में ये इस तरह के ribosomes present होते हैं. Right? Next we will discuss about the mode of reproduction. अभी इन ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है? जैसे आप जनरली देखते होंगे कि बैक्टीरिया टाइप ऑर्गेनिज्म जो है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो रेयरली होता है. बट मोस्ट कॉमन प्रोमिनेंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा है? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें यूनिपैरेंटिक इन्वॉल्व होता है, सिंगल पैरेंटिक इन्वॉल्व होता है. तो यहां पे क्या होगा, या तो यहां पे रिप्रोडक्शन जो है असेक्सुअल होगा, असेक्सुअल जिसमें यूनिपैरेंटिक इन्वॉल्व होगा, इज इट क्लियर, जिसमें बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन मतलब यहाँ पे एक सेल रहेगा, सेल का डिवीजन होगा तो डायरेक्टली दो सेल बनेंगे, जिसको आप बाइनरी फिशन कहते हैं. बडी मतलब बडी में जैसे आपने देखा हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होगा, एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है, आउट ग्रोथ होता है, और आउट ग्रोथ से फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है. सो दैट इज कॉल्ड बडी. सो इन ऑल दिस प्रोसेस देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन सभी मोड्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है, जिसमें सिंगल पेरेंटिंग इन्वॉल्व रहेगा. सेक्सुअल बोलने के बाद क्या होगा, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जिसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, जिसमें दो गैमेट्स का फ्यूजन होगा. बट इन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे यूनिपेरेंटल है, जहां पे गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है. फिर फ्यूजन कहां पे होगा, दैट इज इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है. सो बैक्टीरिया में जो कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल होगा, या तो ये बाइनरी फिशन होगा या बडिंग होगा. लेकिन जो सेक्सुअल कंजुगेशन है ये रेयरली होता है. सेक्सुअल कंजुगेशन, व्हाट इज सेक्सुअल कंजुगेशन? सेक्सुअल कंजुगेशन मतलब बैक्टीरिया जब आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं बाय मींस ऑफ कंजुगेशन. कंजुगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फिनोमेना जिसमें दो बैक्टीरिया आपस में अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं. तो इस तरह से भी वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. जब इस तरह से होगा तो इसको हम कहेंगे सेक्सुअल कंजुगेशन मेथड. लेकिन ये जो मेथड है इसके थ्रू रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही कम होता है, दैट इज ना के बराबर, इसलिए इसको कहा है रेयर. मोस्टली बैक्टीरिया में या मोनेरा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसका जो रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, बाइनरी फिशन या बडिंग से होता है. इज इट क्लियर? तो दिस इज अबाउट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. इफ वी डिस्कस अबाउट द शेप, आपको बताया कि अभी मोनेरा में जो मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनिज्म है दैट इज अ बैक्टीरिया. इफ वी विल डिस्कस अबाउट द बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया कौन-कौन से शेप्स में अवेलेबल है. If you will see, the bacteria is available in different shapes. Bacteria अलग-अलग shape में present है. Bacteria is available in the different shapes. कौन-कौन से shapes? So according to the shape, the bacteria is categorized or classified into the first type is called cocci. Cocci जो कि spherical shape होता है. Which shape? It is spherical shape. स्पेरिकल शेप का बैक्टीरिया होता है. तो स्पेरिकल शेप का बैक्टीरिया होगा तो इसको अपन कहेंगे कोकर और कोकस. कोका इज अ प्लूरल वर्ड, कोकस इज अ सिंगल वर्ड. सिंगल वर्ड सिंगल बैक्टीरिया को अपन क्या कहेंगे? कोकस. इज इट क्लियर? सेकंड इज बेसिलस. बेसिलस जो कि रॉड शेप होता है. कौन से शेप का होता है? रॉड शेप का होता है. रॉड शेप. सो जो रॉड शेप बैक्टीरिया है उसमें बेसिलस प्रेजेंट होगा, उसमें जीनस बेसिलस से चालू होता है. राइट? देन
जो स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया है वो कोकस से चालू होगा, और भी कुछ शेप से जैसे कि कॉमा शेप है, किडनी शेप है, तो उनको विब्रियो विब्रियो बैक्टीरिया पर कहेंगे या विब्रियो शेप कहेंगे। सो विब्रियो शेप मतलब क्या है, थर्ड शेप। नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड शेप। थर्ड शेप में अगर आप यहां पे देखोगे तो कुछ विब्रियो शेप होगा, विब्रियो विब्रियो बैक्टीरिया। विब्रियो बैक्टीरिया कौन सा शेप का होता है, ये होता है कॉमा शेप। दिस इज कॉल्ड ए कॉमा शेप, राइट, दिस इज कॉल्ड कॉमा शेप बैक्टीरिया, कॉमा शेप बैक्टीरिया, या जिसको अपन कहेंगे किडनी शेप बैक्टीरिया। इसके अलावा और एक शेप होता है जिसका नाम है स्पाइरल बैक्टीरिया, स्पिरिला स्पाइरल, राइट, स्पाइरल बैक्टीरिया। इसका शेप कैसा होता है, इस तरह से होगा शेप, इट इज द ट्विस्टिंग, यहां पे ट्विस्टिंग फॉर्म में इसका शेप होगा, जिसको अपन स्पाइरल कहते हैं या स्पिरिलम, स्पिरिलम शेप, स्पाइरल और स्पिरिलम। सो दिस स्पिरिलम बैक्टीरिया व्हिच कम्स अंडर स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। सो हियर द बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू फोर डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर शेप्स। शेप्स के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया है। फर्स्ट टाइप इज कोकस या कोका जो कि स्फेरिकल शेप होता है। सेकंड इज बैसिलस जो रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। थर्ड इज विब्रियो जो कॉमा शेप या किडनी शेप का होता है। फोर्थ इज स्पाइरल शेप जो ट्विस्टिंग फॉर्म में होता है, दैट इज स्पिरिलम बैक्टीरिया, इज स्पिरिलम। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन शेप। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया दैट इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन, राइट। सो जैसे एंशिएंट टाइम के कुछ बैक्टीरिया है, देन बैक्टीरिया का कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है। नाउ बैक्टीरिया का कुछ जब मॉडिफिकेशन होता है तो कुछ ना कुछ नया कंटेंट उसमें ऐड होते जाता है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल द इवोल्यूशन। जस्ट लाइक द ह्यूमन बीइंग्स जो है, ये कुछ मंकीज से अपना इवोल्यूशन हुआ है, इसलिए तो अपना ह्यूमन बीइंग का जिस तरह का इवोल्यूशन हुआ था, वैसे बैक्टीरिया का भी जो है इवोल्यूशन होते आया है। कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो एंशिएंट टाइम से होते आ रही है। सो इस इवोल्यूशन के बेसिस पे यहाँ पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया है इनटू टू डिफरेंट टाइप्स। वन इज कॉल्ड आर्की बैक्टीरिया, सेकंड इज कॉल्ड यू बैक्टीरिया, और इसके साथ में और एक स्मॉल क्रिएचर, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जिसको अपन कहते हैं माइकोप्लाज्मा। तो ये जो तीनों बैक्टीरिया है जो मैंने नाम लिया है, ये सभी जो है ये किंगडम मोनरेट के अंडर में आते हैं, जिसके बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे, राइट।